आईआईटी जेई प्रिपरेशन में एनसीईआरटीज का क्या रोल है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका डायरेक्टली आंसर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जेई के लिए फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, जैसे इरोडो हो गया, क्लेडन हो गया, इन सब की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जितनी इंडियन ऑथर की बुक्स हैं जैसे सिंगेज, पी बहादुर, ये सभी बुक्स एनसीईआरटी और जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई हैं। और NCERTs हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हमारे देश की ऑफिशियल बुक्स है। यही रीजन है कि NCERTs की रिस्पेक्ट बहुत है, इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया गया है और इसके डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रखा गया है, और यही दो रीजन है जिसकी वजह से NCERTs IIT JEE के लिए इरिलेवेंट हो जाती है। JEE एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो इन बुक्स से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। NCERTs से आपको सिर्फ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सेक्शन पढ़ना चाहिए, और ये भी अगर JEE एडवांस के लेवल तक जाए तो कम्प्लीटली सफिशियंट नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपना कोचिंग मटेरियल भी फॉलो करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स की NCERT तो JEE मेंस लेवल पे भी नहीं जाती। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। बाय बाय।